बलौदाबाजार में कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन का ग्रहण लग चुका है। राखी के त्यौहार पर भी कोरोना का संकट मंडरा रहा है। व्यापार नहीं होने से व्यापारी भी परेशान हैं। इसीलिए व्यापारियों ने लॉकडाउन में छूट की मांग की है, जिससे वे रक्षाबंधन पर व्यापार कर सकें। भाई बहनों का पवित्र त्यौहार है, जिससे भाई बहनों लोग आ रहे हैं, कम मात्रा में राखी ले जा रही है। हम शासन से अनुरोध करेंगे कि हमारे हिसाब से कुछ छूट दी जाए। उनका पहले ही हल्ला हो चुका है, उनके सिर के दरमियान जो दुकान खुली उसमें काफी भीड़ है, उसमें आदमी बेच नहीं पाए हैं, आधा से ज्यादा आदमी खरीद नहीं सकता है। कोरोना का इसमें फर्क पड़ा है इस बार? कोरोना का काफी फर्क पड़ा है। हम चाहते हैं व्यापारी की रक्षाबंधन हमारा हिंदू का मेन मुख्य त्यौहार है, और इसमें हमको सब व्यापारी को मिठाई वालों को 3 तारीख तक की छूट मिलनी चाहिए, और हम सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत खास ध्यान रखते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, पवित्र इसका भाई बहन का, तो इसी में मिठाई का हम लोगों का कारोबार रहता है, और इस त्यौहारों में हमको छूट मिलनी चाहिए।